हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकास अमन चांग। तो आज हम हाज़िर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। वो लेक्चर है हमारा इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, लेक्चर सीरीज़ नंबर 22 है और टॉपिक है हमारा यूएन सेक्रेटेड काउंसिल। तो सेक्रेटेड काउंसिल, यूएन सेक्रेटेड काउंसिल में हम पहले इसका इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्रेटेड काउंसिल पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ यूएन सेक्रेटेड काउंसिल, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्रेटेड काउंसिल। आते हैं इंट्रोडक्शन पे। द सेक्रेटेड काउंसिल इज़ अ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गेन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का ये एक प्रिंसिपल ऑर्गेन है सेक्रेटेड काउंसिल। द सेक्रेटेड काउंसिल कंप्राइज ए सेक्रेटरी जनरल एंड सच स्टाफ एज ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर। तो सेक्रेटेड काउंसिल में सेक्रेटरी जनरल होता है और ऐसा स्टाफ जो उस ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर है। द सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली के जरिए थ्रू द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए। उस सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से उसको अपॉइंट किया जाता है। द स्टाफ ऑफ सेक्रेटरी काउंसिल इज अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल का जो सेक्रेटरी काउंसिल का जो स्टाफ है उसको अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी जनरल के जरिए इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड डिटरमाइंड बाय डिटरमाइंड एंड एस्टेब्लिश्ड बाय जनरल असेंबली। तो जो जनरल असेंबली ने रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं उनके ज़रिए। तो आते हैं इसके फंक्शंस एंड पावर्स। द सेक्रेटरी जनरल इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेक्रेटरी जनरल क्या होता है, उस चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का। द सेक्रेटरी जनरल मेक्स एनुअल रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली ऑन द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के हिसाब से जनरल असेंबली को एक एनुअल रिपोर्ट बनाता है सेक्रेटरी जनरल। द सेक्रेटरी जनरल मै ब्रिंग टू नोटिस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एनी मैटर व्हिच हैज ओपिनियन थ्रेटन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर उस इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को अगर कोई थ्रेट पहुँचता है तो क्या करता है सेक्रेटरी जनरल, एक नोटिस भेजता है सिक्योरिटी काउंसिल को उस मैटर पे, ठीक है। तो आज का ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।